हमारी दूसरी टेक्निक है इग्नोरिंग। इसमें हम ऐसे बच्चों को इग्नोर करना शुरू करते हैं जिनका बिहेवियर अटेंशन सीकिंग होता है। ये प्रॉब्लम वाले बच्चे टीचर का ध्यान बार बार अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो बार बार एक्टिविटी करते हुए टीचर को आवाज मारेंगे, अपना काम जल्दी से फिनिश करके बार बार टीचर को आवाज मारेंगे, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करेंगे, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें इन बच्चों को इग्नोर करने की जरूरत होती है। इसमें हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को इग्नोर करें, देखें कि वो बच्चा दूसरों को नुकसान ना पहुंचा रहा हो, दूसरों को हार्म ना कर रहा हो, और जब भी वो अच्छा बिहेवियर करे तो आप उसको वेरी गुड या शाबाश जरूर बोले, उसको प्रेज करें ताकि वो मोटिवेट हो अच्छा बिहेवियर करने के लिए। उसके बाद आती है हमारी थर्ड स्ट्रेटेजी। थर्ड स्ट्रेटेजी है हमारी टाइम आउट। टाइम आउट में हम बच्चे को कुछ समय के लिए एक्टिविटी से दूर कर देते हैं। जो एक्टिविटी क्लास में चल रही है, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्लास में हम कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं और बच्चा उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसकी जगह वो चीजों को नीचे फेंकना शुरू कर देता है या अपनी बुक्स को फाड़ना शुरू कर देता है, तो हम उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए उस एक्टिविटी से हटाकर साइड में खड़ा कर देते हैं। ये टाइम आउट सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट या इससे कम का होना चाहिए। 5 मिनट से ज्यादा आप किसी बच्चे को टाइम आउट ना दें। और टाइम आउट देते हुए ये इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो बच्चा इस टाइम आउट को एंजॉय ना कर रहा हो, ये उसके लिए एक तरह से पनिशमेंट है, और उसे रिवॉर्ड से भी दूर करें। टाइम आउट का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है कि बच्चे को रिवॉर्ड से दूर करना। उसे पता होना चाहिए कि आपने उसे रिवॉर्ड से दूर किया है,